हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मी सहेली चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पापड़ बहुत ही अच्छा फूला है और बनाना ये पापड़ बहुत ही आसान है। आज मैं आपको गेहूं के आटे से पापड़ बना के दिखाऊंगी, जो कि पापड़ बनने के बाद कुछ इस तरह का होगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये पापड़ को आप चाहें तो तेल में तल के खाएं या चाहे तो इसे सेक के भी खा सकते हैं। ये गेहूं के आटे से बना हुआ पापड़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसे आप जैसे खाना चाहते हैं खा सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि यदि पापड़ बनाना है तो वीडियो को अच्छे से देखें। आधा अधूरा पापड़ का वीडियो कभी भी ना देखें। कभी होता है ना कि कुछ स्टेप छूट गया, पापड़ बेकार हो जाता है उसके कारण से। तो आज मैं चलिए बना के दिखाती हूँ गेहूं के आटे से पापड़। बिना झंझट ना कोई परेशानी, झटपट से बनने वाले पापड़ और बनाना भी आसान, और घर के ही पड़े सामानों से ये पापड़ बनके तैयार हो जाएगा। और पापड़ को आप चाहे साल भर रखना तो भी आप रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए बना के दिखाती हूँ कि इसे बनाना कैसे है। पापड़ बनाने के लिए ले ली हूँ एक कटोरी गेहूँ का आटा। आप किसी भी कप कटोरी या ज़्यादा बड़ा बर्तन से भी ले सकते हैं, तो किसी चीज़ से आप नाप के लीजिएगा। और इसके साथ ही डालूँगी हरी मिर्च। तो यहाँ पर एक कटोरी आटा में 4 हरी मिर्ची डाल रही हूँ। आप ज़्यादा बनाएंगे तो हरी मिर्ची भी ज़्यादा डाल लीजिएगा। मिर्ची का डंठल तोड़ के इसे मिक्सर जार में क्रश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा इसे पेस्ट नहीं बनाना है। और इसे देखिए इस तरह से अधकचरा सा इस तरह से कर ली हूँ। इससे पापड़ का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, पापड़ बनने के बाद देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब चलिए बताती हूँ पापड़ बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, जिस बर्तन से आटा ली हूँ उस बर्तन से यहाँ पर पानी डाल रही हूँ। तो जितना आटा लेना है उसी बर्तन से यहाँ पर 3 कटोरी पानी डाल ले रही हूँ गर्म होने के लिए। 3 कटोरी पानी 1 कटोरी आटा में डाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 4 चम्मच के करीब चावल का आटा भी ऐड करूँगी। आप चाहे चावल का आटा डालना तो डालिएगा, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। और इसमें डाल दी हूँ पानी में 1 बड़े चम्मच जीरा। जीरा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इससे पानी का भी कलर थोड़ा अच्छा हो जाता है। और 1 चम्मच नमक। 1 कटोरी आटे का मात्रा में दिखा रही हूँ। अब ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा डाल लीजिएगा। और पानी को ढक के पानी में अच्छा सा उबाल आने देती हूँ। पानी को थोड़ा देर के लिए 2 से 3 मिनट तक अच्छा उबाल आने दीजिएगा, तो भी पापड़ बहुत अच्छा बनेगा। पानी कच्चा नहीं रहना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। तो जीरा के साथ अच्छे से पका ले रही हूँ, पानी को अच्छे से उबलने दे रही हूँ। पानी अच्छा से उबल चुका है, अब इसमें हरी मिर्ची डाल दे रही हूँ। फ्रेंड्स, और भी पापड़ का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, देखिए। और जो पापड़ आपको अच्छा लगे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ली हूँ मीठा सोडा, खाना सोडा जिसे बोलते हैं वही है। तो यहाँ पर 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा यूज की हूँ। आप पापड़ खार भी डाल सकते हैं। तो ये गेहूँ का आटा है, इसमें डालती जाऊँगी और इस तरह से मिक्स करती जाऊँगी। और इसके साथ ही 2 बड़े चम्मच के करीब चावल का आटा भी डाल दी हूँ। आप चाहे तो डालें, नहीं तो सिर्फ गेहूं के आटा से भी बना सकते हैं। और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करती जाऊंगी। गैस अभी बंद नहीं की हूँ, गैस का फ्लेम लो करके उसी पे इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इससे क्या होगा कि आटा भी अच्छे से पकते जाएगा और नमक मसाला वगैरह अच्छे से सभी जगह आटे में हो जाएगा। तो अभी गैस को बंद कर दे रही हूँ फ्रेंड्स, और गैस को बंद करके इसे उतार ले रही हूँ नीचे चूल्हे से। और इसे अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो देखिए आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी इसे फिर से पकाना होगा, जिससे कि पापड़ गेहूं का पापड़ है ना तो अच्छा बनेगा, आटे का पापड़ है तो। तो इसे पकाने के लिए वापस से कढ़ाई में पानी डाल दे रही हूँ, और पानी डाल के इसमें डाल दूंगी स्टैंड। और पानी में अच्छा सा उबाल आने दूंगी। ऐसा स्टैंड है तो आप डालें, नहीं तो कोई भी आप छोटा सा कटोरी या प्लेट इसके नीचे डाल दीजिएगा, जिससे कि जिस बर्तन में आटा डालूंगी वो पानी में टच ना हो, वो बर्तन पानी के ऊपर ही रहे। बस यही कारण है स्टैंड डालने का, और कुछ ऐसा नहीं है। अभी मैं ले ली हूँ ऐसा वाला एक बर्तन, कोई भी कटोरा वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा इस तरह से
चौला बर्तन ही लीजिएगा, जिससे कि आटा में बराबर से चारों तरफ से स्टीम लगे। और इसमें हल्का सा रिफाइंड तेल डाल के अच्छे से ग्रीस कर दी हूँ। अब इसमें सारे आटे को डाल दे रही हूँ। और डाल के अच्छे से इसमें फैला दूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल प्रेस भी कीजिएगा। आने वाले वीडियो को देखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कीजिएगा, ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छे से फैला दी हूँ, और जगह जगह पर एक दो इस तरह से उंगली से दबा के होल टाइप का कर दी हूँ, जिससे कि आटा में अच्छे से भाप लगे और आटा पक जाए। इसे स्टैंड पर डाल के और ढक दे रही हूँ। ध्यान रखिएगा अभी जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो आटा का नमी ख़त्म हो जाएगा। 5 मिनट तक आप भाप पे इसे पकाएं। तो 5 मिनट हो चुका है, अब खोल के चेक कर ले रही हूँ। तो देखिए आटा अच्छे से पक चुका है, और इसे बहुत देर तक नहीं पकाइएगा, 5 मिनट पकाइएगा, बस हो गया। चाहे आटा कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई नहीं मतलब है, सिर्फ आप किसी थाली में इस तरह से फैला के दीजिएगा जो आटा में चारों तरफ से अच्छे से भाप लगे। तो अभी इसे निकाल ले रही हूँ पानी से, कढ़ाई से बाहर कर ले रही हूँ इसे। अब सारे आटे को किसी कपड़े का पॉलीथीन हो या आटे का हो या कोई भी चीज़ का खाली पैकेट जो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, इसमें सारे को भर के और अच्छे से इसे मसल मसल के सॉफ्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर पापड़ का आटा जो है बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा ये काम को। तो इसमें डाल ले रही हूँ सारे को, और अच्छे से मसल मसल के आटे को सॉफ्ट कर लूँगी। फ्रेंड्स, अभी इस पापड़ को बनाने में आपको धूप की ज़रूरत नहीं है, आप इसे पंखे के नीचे भी बना सकते हैं। और अभी जैसा कि काफ़ी ठंड है, तो आप अभी देख के रखें, जब कभी मौसम सही लगे तो आप इस पापड़ को बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी देखें तो अभी ही बना ले, जब मौसम सही हो तब आप इस पापड़ को बना सकते हैं। और जब आप पापड़ को रखना चाहते हैं, तो यदि पंखे के हवा में इसे सुखा रहे हैं तो थोड़ा सा धूप ज़रूर दिखा लीजिएगा, जैसे कि पापड़ लंबे समय तक अच्छे रहे, इसमें फंगस वगैरह ना लगे, तो थोड़ा सा धूप जरूर दिखा लीजिएगा। तो इस तरह से इसे मसल मसल के आटे को सॉफ्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर हाथ में थोड़ा सा गर्म जैसा लगे तो आप इसके ऊपर कोई भी रुमाल वगैरह तौलिया वगैरह डाल के इस तरह से मिला सकते हैं। तो इसे अच्छे से मैश कर ले रही हूँ, अच्छे से मिक्स करके आटे को एकदम चिकना कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा आटा एकदम मिल के चिकना हो चुका है, और ये देखिए सूखा भी नहीं है, सॉफ्ट भी है। तो इसी से 5 मिनट ही बोली थी भाप पे पकाने के लिए। और पानी का मात्रा आप सही रखेंगे, पानी का मात्रा कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आटा को इसी पॉलीथीन में ही बंद करके रखूँगी, आटा को ठंडा नहीं होने देना है। कहीं आटा ठंडा हो जाता है ना तो पापड़ बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो अब चलिए, पापड़ बनाने के लिए ले ली हूँ पॉलीथीन, और पॉलीथीन में थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल दी हूँ, और इस तरह से मोड़ के दोनों भाग में अच्छे से तेल को लगा ले रही हूँ। किसी भी कपड़ा का खाली इस तरह का पॉलीथीन होता ही है ना, तो उसी से आप पापड़ बना सकते हैं। और छोटा छोटा सा लोई ले रही हूँ यहाँ पर, देखिए आप चाहे तो इसका साइज बड़ा भी बना सकते हैं, जितना बड़ा रोटी होता है ना उतना बड़ा भी बना सकते हैं। यदि आग में सेक के आप खाना चाहते हैं इस पापड़ को, तो इसका साइज बड़ा बनाइएगा, और ऐसे तेल में फ्राई करके खाना चाहते हैं तो साइज इतना बड़ा सही रहेगा। और इसके ऊपर से किसी भी प्लेट से या चकले से या कोई भी ऐसा भारी सामान से आप दबा के पापड़ का सेप ला सकते हैं। तो मैं इस तरह से एक बराबर भाग में पहले इसका लोई तोड़ ले रही हूँ, और इसे पॉलीथीन में इस तरह से दाब के और रख दूँगी। तो चलिए अब पापड़ बना के दिखाती हूँ। पापड़ बनाने के लिए ले ली हूँ इस तरह का प्लेट, और प्लेट से ही दबाऊंगी, या पापड़ का सेप बहुत अच्छा आ जाएगा। इसे ज़रा सा ज़ोर से प्रेस कीजिएगा, आपके पास पापड़ बनाने वाला है तो उससे भी आप पापड़ बना सकते हो। और पापड़ बनाने का जो आता है प्रेशर मशीन, बहुत ही अच्छा उससे पापड़ बनता है। तो देखिए पापड़ एकदम पतला हुआ है, बिल्कुल पतला है। तो अभी मैं हाथ से उखाड़ के आपको दिखा देती हूँ। ऐसे तो मैं पॉलीथीन से ही सूखने के लिए डालूँगी फ्रेंड्स, तो आप देखिए एकदम पापड़ पतला बना है। तो इस पापड़ को आप पतला पतला ही बनाइएगा,
बिल्कुल बेसन के पापड़ जैसा ही ये बनेगा। तो देखिए इस तरह से मैं डाल दी हूँ पॉलीथीन पर, इस तरह से दबा के ऊपर से पॉलीथीन को हटा लेना है। देखिए इस तरह से सारे पापड़ को बना के तैयार कर लेना है। और अभी वीडियो बनाना था फ्रेंड्स, तो अभी मैं इस पापड़ को बनाई हूँ और पंखे के हवा में ही सुखा ले रही हूँ। पापड़ बहुत अच्छा से सूख के तैयार हो जाता है पंखे के हवा में, जब धूप आएगा तो इसमें धूप थोड़ा सा लगा के रख लूँगी। तो इस तरह से अच्छे से दबा दीजिएगा पापड़। यदि मोटा हो जा रहा है तो आप बेलन से भी बेल के इसका शेप ला सकते हैं। सिर्फ पॉलीथीन पर इस तरह से करके बेलिएगा जिससे पापड़ चिपकेगा नहीं। इस पापड़ में आपको ये भी झंझट नहीं रहेगा कि चावल का आटा या उड़द का आटा नहीं है तो कैसे बनाए। गेहूं का आटा तो सभी के घर में होते ही हैं। पापड़ आप बना के देखिए, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आटा का पापड़ है तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता, बहुत अच्छा आता है। आप थोड़ा सा आटा का बना के देख ले, आपको पसंद आएगा इसका टेस्ट, तो आप जितना चाहे उतना बना के रख सकते हैं। तो इसी तरह से सारे पापड़ को बना के और डाल दे रही हूँ सूखने के लिए। तो सारे पापड़ को डाल दी हूँ पंखे के हवा में, 2 दिन लगेगा, सूख जाएगा अच्छे से पापड़। पंखे के हवा में 2 दिन लग जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे पापड़ सूख के तैयार हो गए हैं। और जब धूप आएगा तो इसे थोड़ा सा धूप भी जरूर दिखाऊंगी, जिससे कि पापड़ और भी अच्छे से सूख जाएगा और बिल्कुल भी पापड़ टूटा फूटा नहीं है। इस पापड़ को आप आग में भी सेक के, जैसे गैस पे सेक के खा सकते हैं, तो उसके लिए इसका साइज आपको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। तो चलिए तेल गरम हो चुका है, आप पापड़ को फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना छोटा पापड़ था और कितना फूल के बड़ा हो चुका है और बहुत अच्छा पापड़ बना है। इसका किनारे बिल्कुल भी नहीं टूटा फूटा है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस पापड़ को ज़रूर बनाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।